हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एंड गुड मॉर्निंग। अभी सुबह के बज रहे हैं 6 और मैं अभी 10 मिनट पहले सो के उठी हूँ। पानी पिया है, जैसे कि आपको पता है कि सुबह जीरे वाला पानी लेती हूँ मैं। और अभी वो नाइट ड्यूटी से आएंगे 8:30 o'clock। देखना एक दाना भी हो गया। 8:30 पे अब नाश्ता बनाऊंगी, उनके आने से पहले रूम वूम की सफाई करूंगी, क्योंकि फिर आदमी जब सोता है ना तो बड़ा डिस्टर्बेंस होता है। और यार 12 आवर्स रात में जागना, पहले 8 आवर्स की चलती थी यहाँ पे, अभी 12 आवर्स हो रहे हैं। 7 to 7 o'clock जाते हैं और 8:45 तक वापस आ जाते हैं सुबह में। तो अब देखो कितना टाइम होता है ना, आदमी थक के पागल हो जाए पूरा 12 आवर्स बैठे बैठे। और एयरपोर्ट पे तो आपको पता है इतनी टफ होती है ना फ्लाइट्स, आना जाना, उनकी चेकिंग, बहुत ज़्यादा काम होता है। तो अब आएंगे, मैं नाश्ता बनाऊंगी, फिर नाश्ता करके सोएंगे। चलो काम कर लेते हैं, मिलते हैं थोड़ी देर में। और आप लोग बताना कमेंट करके, सब लोग कैसे हो, सेफ हो क्या? और यार बी पॉजिटिव, आजकल बहुत कुछ हो रहा है दुनिया में, इसलिए पॉजिटिव रहो, लोगों से बातें करो, अपने माँ बाप से बातें करो, ठीक है? चलो मिलते हैं थोड़ी देर से, बाय। आज मैं ये साबुदाने की खीर बना रही हूँ, तो ये मलाई वाला दूध है, ये मैं सारा इसमें डाल दूँगी और अब इसको बॉईल करके करूँगी। यहाँ पे साबुदाना मैंने भिगो के रख रखा है, जब इसमें एक खोल आ जाएगा तब मैं साबुदाना डाल दूँगी, ये मेरे को बहुत पसंद है। साबुदाना मैंने इसमें ऐड कर दिया है, अब मैं इसे 15 से 20 मिनट ऐसे ही धीमी आंच पे खोलाऊँगी, क्योंकि उससे ना क्या होता है, इसमें ना टेस्ट ऐसा आ जाता है जैसे मावा डाल रखा हो, बहुत ही अच्छा। तो यहाँ पर मैंने ये गोला कस के रखा है, इसको इसमें डालूँगी, मुझे इसमें गोला डाल के खाने में बड़ी अच्छी लगती है, और कोई ड्राई फ्रूट नहीं, सिर्फ गोला। इसको खोलते खोलते हो गए हैं 15 मिनट, अब मैं इसमें चीनी और गोला ऐड कर दूंगी। सबसे पहले मैं ये गोला डाल देती हूँ। उसके बाद चीनी, मैंने चीनी में डाल दी, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी डालें, थोड़ा कम खाते हैं इसलिए मैंने थोड़ी सी कम डाली है। और ये रेडी है, चलो गाइस अब चलते हैं दूध लेने। बाहर दूध वाला का फोन आया है, वो आ चुका है, उससे दूध लेने जाते हैं। मैं आपको दिखाऊंगी कहाँ मिलता है दूध। ये सामने कैंटीन का रास्ता है, ऊपर वहाँ पे कैंटीन है, और यहाँ से देखिए, ये यहाँ से मुड़ते हैं, वो सामने जो गेट है ना लास्ट में, वहाँ पे दूध मिलता है। बैठे सामने दूध वाले, ये मेरे बेटे ने ड्राइंग की है, बताना आप सब लोग कैसी लगी। कल शाम, पूरी शाम, रात के 9 बजे तक बैठ के उसने यही बनाया है। मैंने सोचा आज अपना होल टूर दे दूँ, तो यहाँ ये गेट है, इससे बाहर से एंट्री होती है अंदर, इस गेट से, ये देखिए ये हमारा गेट है बाहर जाने का रास्ता घर से बाहर, और यहाँ से हॉल की एंट्री होती है। सबसे पहले पानी की बोतल, जो बहुत ज़रूरी है, इसमें मैंने अपने क्वार्टर का नंबर डाला हुआ है। फिर ये सोफ़े, ये मैंने यहीं पे ख़रीदे थे और इनको यहीं पे सेल करके जाएंगे, फिर कहीं और जाएंगे तो वहाँ दूसरा लेंगे। ये टेबल भी यहीं ली थी, ये कारपेट भी मैंने अभी लिया था, आपको दिखाया था ना, और वो उधर मेरे टेडी बियर, वहाँ फ़ोटो फ्रेम है मेरे बेटे की और हमारी मुंबई जो बीच की लगी हुई है। ये जो सामने, ये मैंने अमेज़ोन से मंगाया था। चलो आगे चलते हैं। फिर यहाँ पे ये बैडमिंटन, मेरे टेडी बियर जिनसे मुझे बहुत प्यार है, ठीक है। और यहाँ थोड़े ये पाउडर्स वगैरह रखे हैं,
ये मेरे दो हेयर मास्क हैं, मेरे पास और बहुत सारे हैं, तो मैं हेयर मास्क का अलग से वीडियो बनाऊंगी। एक ये मेरा टेडी बियर, मेरी मम्मी ने मेरी शादी में दिया था, बहुत प्यार है मुझे इस टेडी बियर से। यहाँ पे इसके नोनी के साइकिल का पंप वगैरह रखे हैं। फिर इधर चलते हैं, बीन बैग जिस पे सारा दिन मैं या मेरा बेटा बैठे रहते हैं। उसके बाद ये स्पीकर्स, एंड देन ये ट्रॉली, ये छोटे वाला स्पीकर है ये, फिर उससे काम नहीं चला था, फिर हमने ये बड़े वाले लिए थे। उसके बाद ये हमारा वाईफाई लगा हुआ है, ये पहला वाला वाईफाई है जब हमने केरला में कनेक्शन नहीं लिया था। ये इसकी टेबल, स्टडी टेबल थी इसकी, इसकी चेयर टूट चुकी है इसलिए मैंने इससे, इस चेयर से रिप्लेस कर दिया। सबसे बेस्ट चीज़ मेरा ये स्टैंड और इस पर ये टेबल लैम्प, ये टेबल लैम्प है, ये डिफ्यूज़र है, इसमें मैं ये वाला ऑयल डालती हूँ और इससे इतनी अच्छी खुशबू आती है पूरे घर में, बहुत ही अच्छी। ये हमारी विंडो है जिससे हम बाहर देख सकते हैं, ये बहुत अच्छा पॉइंट है हमारे घर का जहाँ से हम देख सकते हैं, विंडोज़ बहुत है हमारे क्वार्टर में क्योंकि साइड में है। ये मेरा बेड जिसको, इसको भी यहीं सेल करके जहाँ जाएंगे वहाँ न्यू फर्नीचर लेंगे। ये देखिए, ये मैंने अमेज़ोन से, ये स्टैंड अमेज़ोन से, ये भी अमेज़ोन से, ये भी, ये भी, ये मेरे बेटे की ट्रॉफी, ये तीन का सेट आया था ये, और ये इसके में जो शो पीस रखे हैं इसमें ये लालटेन और ऊपर वाले जो दो हैं वो अमेज़ोन से नहीं लिए थे मैंने। ये इनका हेडफोन और ये तितली के बटरफ्लाई वाले सेट मैंने दो लिए थे, एक रूम बेडरूम में लगा हुआ है, एक यहाँ पे लगा हुआ है। देन ये टेबल, पहले हमारे पास ये टेबल थी ना तो हम मोस्टली इसको यूज़ करते थे, मैंने इसको यहाँ पे रख दिया। ये मैंने रिमोट का स्टैंड बना दिया इस बास्केट को, ये भी मेरी शादी की है, मेरी मम्मी ने शादी में दी थी। ये हमारे टी कप का स्टैंड, जानते ही हो आप, ये इस टाइप से निकलता है। ये दो एंड्रॉयड समथिंग क्या है, ये बहुत प्यारे लगते हैं ये भी मुझे, मुझे टेडीज़ का बहुत शौक है, ठीक है। और इस टाइप से ये पूरा हो जाता है। वहाँ पे किचन, ये लोबी टाइप है, इधर एक रूम में छोटे वाला, इधर इसके इधर की साइड जाके हमारा बेडरूम है। ओवरऑल इस टाइप से अच्छा लगता है ना, सबसे अच्छी लगती है विंडो ना, कितना अच्छा लगता है विंडो में बैठना, खासकर बारिश के मौसम में। ये देखते रहते हैं कि किसने मास्क पहना है किस। तो यहाँ पे देखिए मेरी अलमारी कितनी मैसी हो रखी थी, तो मैंने ये निकाल निकाल के सारे कपड़े पहले बाहर रखे और फिर मैं इनको सबको जमाऊंगी अच्छे से, क्योंकि मैं इसको बोल देती हूँ सुबह मैं निकाल ले, और इसने पूरी अलमारी में कपड़े इधर उधर अपने भी मेरे भी, तो मैं ये सारे नीचे डाल के इनकी फिर सब प्रेस किए हुए थे जो फिलहाल ख़राब हो रखे हैं, तो मैं इनको अच्छे से पूरे कपड़ों को जमा दूंगी। ये इसकी यूनिफॉर्म है जो मैं पैक करके रख रही हूँ, क्योंकि अब तो ये पहनेगा नहीं ना, इसको आएंगी ये यूनिफॉर्म, तो इस तरह। ये हैंगर भी यार पता नहीं, इतने बकवास इतने महंगे हैंगर लाई मैं, और ये वेट ही नहीं थाम पाते, सारा वेट जैसे ही लगाऊंगी और एकदम से गिर जाएंगे ये इसमें से। तो यहाँ पहले मैं निकाल के और अब इनके तय बना बना के मैं अच्छे से इसमें अलमारी में लगा दूंगी, लेकिन कपड़े इतने हो रहे हैं कि तय बना के भी कहाँ ये जमाई है। और देखिए कितने कपड़े हो रहे हैं, इतना जमाने के बाद भी ऐसा लग रहा है कि कुछ नहीं जमी है ये। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग बताना ज़रूर। और यार थिंक पॉजिटिव, पॉजिटिव रहो, बिल्कुल भी निगेटिविटी अपने पास फटकने मत दो, क्योंकि आजकल का टाइम बहुत ख़राब चल रहा है कोरोना की वजह से, जस्ट बिकॉज इतना ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है ये, तो अपना ध्यान रखो। तो यहाँ मैंने अपनी खीर बनाई है, मैं इसको खा रही हूँ, मैंने सोचा थोड़ी आप लोगों से बातें भी कर लूँ। और बताइए, मैंने एक फेस पैक बनाया है, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया शायद आज या कल परसों में, वो वीडियो चली जाए तो आप लोग उसे ज़रूर देखना, बहुत अच्छा फेस पैक है, बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा आप लोगों को, तो उसको ज़रूर 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 से ट्राई करना और मेरे को रिज़ल्ट ज़रूर शेयर करना कि आप लोगों को कैसे मिले रिज़ल्ट। विद इन वन मंथ आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिल जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि आप फेस पैक जो भी बनाओ ना वो नेचुरल इंग्रेडिएंट से होता है, जो हमारे किचन में
अवेलेबल होते हैं, तो आप किचन से ही सारी चीज़ें लेके उन चीज़ों को बना सकते हो घर में, और वो आपके फेस के लिए हार्मफुल भी नहीं होते। तो आप मेरे से ज़रूर शेयर करना कि आपको उसने कैसा रिजल्ट दिया। ठीक है, चलो मैं यहाँ अपनी खीर खा लेती हूँ और इस ब्लॉग का मैं यही एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। बाय, लव यू ऑल, थिंक पॉजिटिव, बाय बाय।